हेलो भाई लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि 3,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले भुवन बाम को यूट्यूब से पहली बार 20,000 का चेक मिला, तब भुवन बाम ने ठान लिया था कि मेरा फ्यूचर यूट्यूब है। और तब ये डिसीजन कितना सही था, आज वो पर मंथ 25,00,000 रुपए कमाकर साबित कर रहे हैं। बोले तो आपके अंदर जब छुपा हुआ टैलेंट बाहर आता है तो दुनिया आपकी दीवानी हो जाती है। जैसे दुनिया सौरभ जोशी की फैन हुई थी, उन्होंने मात्र 3 साल के अंदर 17.8 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। वेल दोस्तों, जब ये फेमस इतने हैं तो इनकी कमाई कितनी होगी, और जब ये इतने फेमस नहीं थे तो ये कितना कमाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गौरव तनेजा जो अपने 3-3 यूट्यूब चैनल से आज 22 से 25 लाख रुपए आसानी से कमा रहे हैं, क्या कभी कोई पहले इनकी इनकम के बारे में जानता था? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फेमस इंडियन व्लॉगर्स की फेमस होने से पहले इनकम कितनी थी, उसकी डिटेल में जानकारी। नंबर 1, सौरव जोशी। धन्य है आप जिन्होंने मात्र 3 साल के अंदर 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर की फौज अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई। पर कैसे, ये बताने सौरव जोशी तो आएंगे नहीं, तो चलिए मुझसे ही सुन लीजिए। इनका व्लॉगिंग करियर 19 फरवरी 2019 को शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी 2015 में अपने पहले चैनल सौरव जोशी आर्ट से स्टार्ट की थी, जहां वो अपने स्केचिंग ड्राइंग फैशन को फॉलो करके दुनिया को दिखाते थे। जहां दुनिया ने उनके टैलेंट को पहचाना, उनके सब्सक्राइबर का आंकड़ा 1 मिलियन क्रॉस कर गया। यही वो साल था 2019 जब सौरव ने अपने 4 साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस का काढ़ा बनाया और अपना सौरव जोशी व्लॉग दूसरा चैनल स्टार्ट कर दिया, जिसने उनके पहले चैनल सौरव जोशी आर्ट 3.83 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा तोड़ दिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह उनका लॉकडाउन चैलेंज था, 365 डेज 365 व्लॉग्स, जहां ये अपने भाई पीयूष और साहिल के साथ अपने बोरियो बिस्तर के साथ नजर आते थे। उत्तराखंड के रहने वाले सौरव जोशी की कमाई की बात करें, 2021 तक थोड़ी बहुत लाइमलाइट पाने के बाद भी ये यूट्यूब से मात्र 10 लाख रुपए ही कमा रहे थे। जी हां, 10 लाख रुपए, ये हमारे लिए थोड़े ज्यादा है, लेकिन शायद सौरव जोशी के लिए ना हो, क्योंकि आज सौरव जोशी अपने यूट्यूब वीडियो स्पॉन्सरशिप और अपने म्यूजिक वीडियो से उसका डबल यानी कि 20 लाख रुपए कमाते हैं। नंबर 2, फ्लाइंग बीस्ट। इस शख्स को तो आज हर कोई जानता है, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट उर्फ गौरव तनेजा के स्ट्रगल के बारे में कुछ लोग ही जानते होंगे, इसीलिए इन ब्लॉगिंग यूट्यूबर की कहानी जानने के लिए थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो, ये हमेशा से ही बॉडी बिल्डिंग, फैशनेट और काफी फिटनेस फ्रीक मैन थे। पर भैया, उनकी सच्ची मोहब्बत थी उनकी पायलट बनने की ख्वाहिश, जिसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और US का टिकट कटा लिया। वहां जाकर इन्होंने पायलट की पढ़ाई की, लेकिन जब ये इंडिया वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि एक बार घास में से सुई को निकालना मुश्किल है, लेकिन पायलट की नौकरी मिलना नामुमकिन है। और इसीलिए इन्होंने पायलट इंस्ट्रक्टर की नौकरी करके समय काटना शुरू कर दिया। और फिर 2011 में उनकी किस्मत तब खुली जब उन्हें इंडिगो में पायलट बनने का मौका मिला, और नौकरी के बाद नंबर आया छोपरी का, तो ये अपनी पायलट वाइफ रितु राठी के साथ सेटल हो गए। इस बीच उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग के फैशन पे भी फोकस करना शुरू कर दिया था, जो गलती से उनके बेस्ट फ्रेंड की लाइव स्ट्रीम से दुनिया को नजर आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिक की डिमांड पर पहले तो फेसबुक पेज पर फिटनेस वीडियो बनाने लगे, और फिर यूट्यूब पे फिट मसल टीवी नाम का चैनल खोल दिया, और फिर 2017 में इनका सेकंड चैनल फ्लाइंग बीस्ट, जिस पे ये व्लॉग बनाना शुरू कर दिए, और 2020 में इनका थर्ड लाइव स्ट्रीमिंग चैनल रसवरी के पापा शुरू हुआ। और आज इनके तीनों यूट्यूब चैनल पर 11.11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और ये आज अपने तीनों यूट्यूब चैनलों की बदौलत 22 से 25 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। लेकिन जब इनके 2 मिलियन ही सब्सक्राइबर थे, तब ये 1,50,000 रुपए ही कमा पाए थे, मतलब फेमस होते ही तो इनकी चांदी हो गई। नंबर 3, गौरव चौधरी। ये इंडिया के उन व्लॉगर्स में आते हैं जो रहते तो इंडिया में नहीं है, लेकिन उनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इंडिया के ही है। जी हाँ, टेक्निकल गुरुजी नाम के चैनल पर 22.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और उनके व्लॉग चैनल पर लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जो उनकी लाइफ स्टाइल और टेक्निकल गुरुजी को जानने और पहचानने के लिए उनके व्लॉग देखने आते हैं। अब इनकी एस्टीमेट मंथली अर्निंग की बात करें तो ये अर्निंग के मामले में भी पीछे नहीं है, लगभग 1 करोड़ कमाते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना सारा पैसा, तो मैं आपको बता दूं, ये उन क्रिएटर्स में से हैं जो क्वालिटी कंटेंट तो देते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें यूट्यूब पे सक्सेस पाने के सारे ही तरीके पता हैं। लेकिन बात करें इनके स्टार्टिंग की, तो जब ये अपने वीडियो को एक्सप्लोर कर रहे थे, तब ये एक अल्टो के जितना पैसा अफोर्ड कर रहे थे, यानी कि 2 से 4 लाख रुपए। और बात करें 2 साल पहले की, तो ये लगभग 50 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे। नंबर 4, मुंबई कर निखिल। बोले तो इंडिया का उस जमाने का व्लॉगर, जब पब्लिक ने व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखना शुरू ही किया था। हालांकि ये जुलाई 3, 2013 में अपना मोटो व्लॉगिंग चैनल बना चुके थे। 15 साल की उम्र में मोटर बाइक चलाने वाले निखिल शर्मा की कोशिश अच्छी थी, लेकिन उनके बाइक वीडियोस को ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि उससे वो नहीं रुके, उन्होंने क्वालिटी कंटेंट देना जारी रखा, कभी लोगों को इंडिया की बाइक ट्रिप्स थी तो कभी आउट ऑफ इंडिया की, एंड धीरे
धीरे ही सही ये सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए, जिससे आज उनके चैनल पर 3.93 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने भुवन बाम, आशीष चिंचलानी और भी कई बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है और दूसरे सोशल अकाउंट्स पे भी उनकी फ्रेंड फॉलोइंग काफी ज्यादा है। उनके इन्हीं सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स की बदौलत निखिल पर मंथ 25 लाख रुपए कमाते हैं और उनकी नेटवर्थ 29 करोड़ है। भले ही उनके यूट्यूब पे फेमस होने से पहले उनकी अर्निंग का खुलासा नहीं हो पाया हो, लेकिन जूम के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी अर्निंग को 15 लाख रुपए बताया था। नंबर 5, आशीष चंचलानी। हाउ हार्ड वर्क मेट्स अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ फॉर्च्यून के जीते जागते उदाहरण है आशीष चंचलानी, जो इंस्टाग्राम पे पहले और यूट्यूब पे बाद में आए थे, लेकिन आज उन्हें उनकी यूट्यूब के लिए ज्यादा जाना जाता है, जो उन्होंने शुरू तो 2009 में ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो 2014 में अपलोड की थी। तो अब बात करें इनकी यूट्यूब से कमाई की, तो 28.8 मिलियन सब्सक्राइबर को अपने दिल के करीब रखने वाले आशीष चिंचलानी की 2 साल पहले कमाई 15 से 20 लाख रुपए थी। वहीं सोशल ब्लेड, जहां पर यूट्यूबर्स की अर्निंग और उनके सब्सक्राइबर का डेटा दिखाया जाता है, उसके मुताबिक 18 लाख से ज्यादा बताई गई है। और आशीष आज इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और हॉलीवुड के कई हीरो से मुलाकात कर चुके हैं और अब ये महीने में एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें इनके मुताबिक 20 दिन का समय लग जाता है और बाकी के बचे दिन ये तो ये खुद पे लुटाते हैं। भाई लाइफ हो तो आशीष चिंचलानी जैसी। नंबर 6, प्राजक्ता कोहली। मुंबई की पोरगी प्राजक्ता कोहली को डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, व्लॉगर, एक्टर, जो चाहे बुलाओ, इनमें टैलेंट इतने हैं कि गिनते गिनते खत्म ही नहीं होते। पर आपको पता है, प्राजक्ता कोहली जिनके टैलेंट यूट्यूब पे आने के बाद सामने आए, वो कभी यूट्यूब पे आना ही नहीं चाहती थी। असल में उन्हें रेडियो जॉकी बनना था और बनी भी, और उन्होंने एक रेडियो स्टेशन की इंटर्नशिप हासिल कर ली और वहीं पर वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के सुधीर ने इनके टैलेंट को पहचाना और इन्हें एक यूट्यूब चैनल खोलने की सलाह दी। हालांकि शुरू में प्राजक्ता ने उनकी बातों पे कोई खासा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2015 में काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल ही डाला। उनका पहला वीडियो था टाइप्स ऑफ सिंगल्स ऑन वैलेंटाइन डे, जिसके अपलोड के बाद कुछ हावर्स में ही उनके 1000 व्यूज मिले। उसके बाद व्यूज का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। व्यूज के साथ ही उनके सब्सक्राइबर का आंकड़ा एक मंथ के अंदर ही 30,000 क्रॉस कर गया। वहीं आज इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ 16 करोड़ रुपए है। वहीं इनकी मंथली अर्निंग की बात करें तो मंथली अर्निंग इनकी 36 लाख रुपए है, जो आज से 1.5 साल पहले सोशल ब्लेड के मुताबिक लगभग 1.5 लाख से शुरू हुई थी। नंबर 7, गौरव जॉन। इस वायरल वीडियो को क्या आपने देखा था? अगर हाँ, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि इस वीडियो बनाने वाले गौरव शर्मा को 25 मई 2021 को दफा 188, 264 और 33 के तहत पुलिस ने एनिमल क्रुएलिटी के नाम पर जेल पहुंचा दिया था, लेकिन उन्हें वहां का हवा पानी शायद इतना पसंद आया कि उन्होंने 14 नवंबर 2021 को वहां पे जाने का फैसला दोबारा ले लिया। इस बार मथुरा के निधि वन में जाने के लिए वहां पे रात में जाना अलाउड नहीं था, पर ये व्लॉगर हैं बड़े कमाल के, तभी तो आज इनके यूट्यूब चैनल पे 4.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके चलते ये हर महीने 16 लाख से ज्यादा कमाते हैं। पर 2018 में फेमस होने से पहले इनकी कमाई मात्र 3 से 4 लाख थी। 2013 में अपना व्लॉगिंग चैनल बनाने वाले गौरव जॉन उर्फ गौरव शर्मा आज इसलिए ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जिससे उनकी ऑडियंस उसे रिलेट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडिया के टॉप मोस्ट व्लॉगर्स की फेमस होने से पहले उनके खाते में जाने वाले पैसे की कहानी। इस लिस्ट में आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन सा है और क्या आपको इनके बारे में ये जानकारी पता थी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद।